पूरा ही खोल देते हैं यार, खराब तो हो ही गया, नाश्ता हो ही लिया, खोल देते हैं इसको पूरा। जी इसमें ना देखिए एलईडी का पत्ता है ना, ये लाइटें हैं, आपने बल्ब देखे होंगे ना, इसमें एलईडी लगी होती हैं, ये रोशनी पहुंचाती हैं पूरी डिस्प्ले पे ऊपर तक। तो ये जो एलईडी होती है ना, लोकल जो डिस्प्ले डाली जाती है ना लोकल डिस्प्ले में, ये सीखो ऐसा जो काम आए बिल्कुल फ्री बिट्टू सर से। दोस्तों मोबाइल फ़ोन में लाइनिंग क्यों आ जाती है डिस्प्ले में, आज मैं आपको कुछ फैक्ट बताने वाला हूँ। नॉर्मल यूज़र अगर आप हैं, नॉर्मल आपका फ़ोन है और फास्ट चार्जिंग सपोर्ट नहीं करता, तो भाई फास्ट चार्जर लगाने की कोशिश मत करना, उससे आपके मोबाइल फ़ोन में लाइनिंग आ सकती है। ध्यान से सुनना दोस्तों, बहुत काम की बात है, आप स्किप करके बिल्कुल मत सुनना, एक एक पॉइंट मेरा बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस से भरा हुआ है। मान लीजिए आपने अपने फ़ोन की डिस्प्ले चेंज करा ली, उसके बाद भाई साहब फास्ट चार्जर अपने मोबाइल फ़ोन में मत लगाना अगर सपोर्ट नहीं करता तो, ठीक है, क्योंकि लोकल फ़ोन की जो डिस्प्ले होती है ना उसकी एलईडी लोकल होती है, उसकी एलईडी ज़्यादा गर्म हो जाएंगी, उसके कारण आपके मोबाइल फ़ोन में लाइन आ जाएगी। अभी आपको पूरा एक्सप्लेन करूँगा। सबसे पहले चार्जिंग का फंडा समझते हैं, ठीक है। अगर आपका फ़ोन नॉर्मल चार्जिंग सपोर्ट करता है तो उसमें फास्ट चार्जिंग लगाने का मतलब ये होता है कि आप अपने चार्जिंग बोर्ड को गर्म कर दोगे। कैसे होगा, ये 5 से 6 वोल्ट तक सपोर्ट करेगा आपका फ़ोन, ठीक है। इसका जो चार्जिंग का बोर्ड है ना, ये 5-6 वोल्ट लेगा बस। आप उसमें लगा रहे हो 33 वोल्ट 50 वोल्ट 60 वोल्ट ऐसे चार्जर लगा रहे हो, तो उस कंडीशन में क्या होगा, इस चार्जिंग बोर्ड में जो डायोड लगा होगा ना वो गर्म हो जाएगा। और डायोड लगा होता है, देखिए चार्जिंग बोर्ड नीचे ही होता है, देखो ऐसे मैं आपको बता देता हूँ ना, प्रैक्टिकली बता देता हूँ, फिर आपके ज़्यादा समझ में आएगा। अब ये गर्म होगा ना, यहाँ से ये चार्जिंग जैक पूरा गर्म हो जाएगा, क्योंकि डायोड है ना उतनी वोल्टेज जाने देगा आगे जितने पावर का वो डायोड लगा हुआ है, ठीक है। तो और बाकी को वो ग्राउंड करता रहेगा, ग्राउंड करने का मतलब इसे गर्म कर देगा, चार्जिंग जैक धीरे धीरे गर्म होगा। आपने भी महसूस किया होगा कभी फास्ट चार्जर अपने फ़ोन में लगाना, चार्जिंग फास्ट नहीं होगी आपकी अगर सपोर्ट नहीं करता तो फास्ट चार्जर। अगर आपका नीचे का चार्जिंग का उसको ना चार्जर को निकाल के देखना, उसकी पिन ऐसे छू के देखना, भाई साहब बहुत गर्म मिलेगी आपको, ठीक है। उस कंडीशन में देखिए क्या होता है, अब यहाँ पर डिस्प्ले लगी हुई है, अब ये जैसे चार्जर लगा हुआ है और यहाँ डिस्प्ले लगी हुई है, ठीक है। अब डिस्प्ले को मैं बताता हूँ दूसरी डिस्प्ले को लेकर, देखिए एक डिस्प्ले ख़राब करनी पड़ेगी यार, चलो कोई नहीं करता हूँ आपके लिए, नो टेंशन। ये देखो ये ऐसे डिस्प्ले लगी हुई है, ठीक है। अब इस डिस्प्ले के पीछे देखते हैं, ये चार्जिंग जैक मान लीजिए गर्म हो रहा है, आप 5 से 6 मिनट हो गए इसको चार्जर को लगे लगे फास्ट चार्जर को, और फास्ट चार्जर सपोर्ट नहीं करता आपका फ़ोन, तो यहाँ पे चार्जिंग जैक आपका गर्म होने लगा है। और गर्म होगा ना तो ये जो पत्ता है ना जहाँ पे अटैच है, इस पत्ते में देखिए ध्यान से देखना, इसमें वायर दिखाई देंगे आपको, बारीक बारीक ट्रैक दिखाई देंगे बहुत सारे, देखो ध्यान से देखना, ग्रीन साइड में देखना, बहुत बारीक बारीक वायर दिख रही हैं, ये सारी वायर है ना जाके इस डिस्प्ले पे अटैच होती है। अभी मैं आपके लिए यार कर ही देता हूँ इसको खराब, आपको समझाना ज़रूरी है भाई, नुकसान तो कोई बात नहीं, सब्सक्राइब कर लेना मेरे भाई, ये लो, ठीक है। कई लेयर होती हैं डिस्प्ले के अंदर, अब देखिए इस कंडीशन में होगा क्या, ये जो इतने सारे ट्रैक लगे हुए हैं, ये वायर जो मैंने आपको दिखाई हैं, इनमें से एक भी ट्रैक अगर मिस हो गया ना, एक भी ट्रैक जल गया, एक भी लाइन के ये तार जो है ना, ये वायर जा रखी है अंदर डिस्प्ले पे, तो वो यहाँ पे आके अटैच हो जाता है ये पत्ता। ये देखिए इस तरीके से मैं खोल के दिखाता हूँ यार, सब्सक्राइब कर लेना भाई, हैं नुकसान तो हो गया बड़ा। मैं आपको अभी खुल के समझाता हूँ, देखो यहाँ पे ना ये अटैच हो जाती है सारी वायर आके इस सेंसर पे, और ये सेंसर अटैच हो जाता है यहाँ पे डिस्प्ले पे, ठीक है। अब एक भी तार अगर जल गई ना, तो भाई साहब वो सप्लाई उस लाइन का जो पिक्सल होंगे ना, इसमें पिक्सल होते हैं बहुत सारे, वो आपको पता होगा, आप में से बहुत सारे लोगों को पता होगा पिक्सल किसे बोलते हैं, पिक्सल के बारे में नहीं सुना तो ज्ञान थेरेपी वाले भाई साहब हैं, उन्होंने बहुत अच्छी वो बना रखी है वीडियो पिक्सल के ऊपर, आप देख सकते हैं, खुल के बना रखी है। और ये उस लाइन के जो पिक्सल होंगे ना ऊपर तक, उन सारे पिक्सलों को करंट पहुँचना बंद हो जाएगा, सप्लाई पहुँचनी बंद हो जाएगी और उस जगह लाइन आ जाएगी लंबी सी। तो इसीलिए आपसे मैं गुजारिश करूँगा इस चीज़ की कि आप कभी भी फास्ट चार्जर मत लगाइए अगर आपका फ़ोन फास्ट चार्जिंग सपोर्ट नहीं करता है तो, ठीक है। आपको कोई लगाने की ज़रूरत नहीं है यार, आप नॉर्मल चार्जर अगर यूज़ करते हो ना, नॉर्मल चार्जर आपके फ़ोन में लगता है तो नॉर्मल ही लगाओ, उसमें फास्ट लगाओगे भाई चार्जिंग जैक गर्म हो जाएगा, आप लगा कर देख लेना। आप मतलब लगाना तो मत यार, फिर आप कहोगे कि यार कह भी रहा है फिर मना भी कर रहा है। तो मैं आपको बोल रहा हूँ कि अगर आपका फ़ोन चार्जिंग फास्ट चार्जिंग सपोर्ट नहीं करता ना, शो नहीं करता है, तो आप उसमें फास्ट चार्जर अगर लगा भी दोगे ना, तो ये चार्जिंग जैक यहाँ से गर्म हो जाएगा। आप कैसे पता चलेगा, जब आप चार्जर निकालोगे ना तो उसकी पिन देखना, अगर गर्म हो रही है ना तो इसका मतलब वो वाला चार्जर आपके फ़ोन को सपोर्ट नहीं कर रहा है, उसका जो डायोड लगा हुआ है ना वो मना कर रहा है कि भाई इतनी वोल्टेज मत दे मेरे अंदर, मैं इतनी वोल्टेज सपोर्ट नहीं कर पाऊँगा, वो साफ मना कर रहा है। और आप उसमें फिर ज़बरदस्ती लगाए रहे, नहीं यार थोड़ा सा और चार्ज हो जाएगा, थोड़ा सा और चार्ज हो जाएगा, तो भाई ऐसा आप करने की कोशिश बिल्कुल ना करें, ठीक है। ये चीज़ मुझे आपको बतानी थी, मुझे लगा इस लाइन के बारे में, और काफ़ी बार है ना लाइन जो आती है ना वो अपडेट की वजह से भी आ जाती है। अब एक चीज़ और बताता हूँ भाई साहब, एक चीज़ और ध्यान से सुनना, आपके फ़ोन में आप
अपडेट करने के बाद जो लाइन आती है ना वो ओरिजिनल डिस्प्ले में ही आएगी। कभी भी ऐसा नहीं होता है ऐसा कि लोकल डिस्प्ले हमने डाली हो और उसमें हमने अपडेट किया हो फ़ोन को और वो लाइन आ गई हो और लोकल डिस्प्ले में नहीं आती भाई, वो ओरिजिनल में आती है। और लोकल डिस्प्ले में जो लाइन आएगी ना उसको उसका आने का कारण होता है यही कि हम उसमें फास्ट चार्जर लगा देते हैं या फिर नीचे से वो गर्म होने लगता है। हम या तो ब्राइटनेस को फुल मोड में रखेंगे, फुल मोड में अगर ब्राइटनेस रखने का मतलब देखिए ये होता है कि इसमें लाइट कहाँ गई, इसमें ये रही देखो ये लाइट का पत्ता है, ये जैसे कि मान लीजिए लोकल डिस्प्ले है ठीक है, और इसमें इसे पूरा ही खोल देते हैं यार, ख़राब तो हो गया, नाश्ता हो ही लिया, खोल देते हैं इसको पूरा। ये इसमें है ना देखिए एलईडी का पत्ता है ना, ये लाइटें हैं, आपने बल्ब देखे होंगे ना, इसमें एलईडी लगी होती हैं, ये रोशनी पहुंचाती हैं पूरी डिस्प्ले पे ऊपर तक। तो ये जो एलईडी होती है ना लोकल जो डिस्प्ले डाली जाती है ना लोकल डिस्प्ले में, ये लोकल एलईडी डलती हैं और ये गर्म होती है बहुत ज़्यादा। जितनी ज़्यादा देर तक ये फुल रोशनी में इनको जला के रखोगे ना तो भाई साहब जान निकली रहेगी इनकी और ये गर्म करेंगे फ़ोन को बहुत ज़्यादा और फिर ये लाइनिंग ला देंगे पूरी डिस्प्ले पे। इसीलिए आप कभी भी फुल ब्राइटनेस मत रखना, ऑटो मोड पे रख लिया करो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, सेफ़ है। आप अगर फुल ब्राइटनेस पे रखोगे ना अपने मोबाइल फ़ोन को तो भाई उससे फिर आपकी एलईडी जो है ना एकदम आग की तरह जलेंगे, फिर प्रॉब्लम कर जाएंगी। यहाँ आप समझ गए होंगे देखो ये सेंसर यहाँ पे टच होगा, ये एलईडी जलेगी अच्छी तरीके से, एकदम गर्म हो जाएगी, फिर यहाँ से ये इसको पिघला देगी इस पत्ते को और एक आधी लाइन जो इसमें मैंने अभी आपको वायर दिखाई ना बारीक बारीक ये वाले, इनमें से एक आधा वायर जल जाएगा गर्म होके, या वो अपना कनेक्शन छोड़ देगा और उस जगह से फिर लाइन आ जाएगी। मेरा ख्याल है आप ये छोटी सी बात समझ गए होंगे, अगर आप समझ गए हो तो भाई को सब्सक्राइब कर देना और लाइक कर देना और शेयर भी कर देना भाई। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में ऐसे ही किसी एक नुकसान के साथ, ठीक है तो गुड बाय।